ये है वियतनाम सीरीज़ की पहली वीडियो और आने वाली सीरीज़ में आप देखेंगे मेरे उस 15 दिन के वियतनाम का एडवेंचर को जो कि मैंने किया था, और आई होप कि ये आपको मोटिवेट भी करेगा और आपकी प्लानिंग करने में हेल्प भी करेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम लोग आ गए हैं कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और जा रहे हैं हम लोग एक बार फिर से एक नई कंट्री में जिसका नाम है वियतनाम। और हमारे साथ है दुर्गेश भाई। दुर्गेश भाई भी आई हम बैक करने वाले जैसे ट्रेवलिंग दे सीम करते हैं सुखविंदर पाजी। खैर, तो अभी हम लोग कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और हम लोग ने लाउंज एक्सेस कर लिया हमने दुर्गेश ने। और मेरा बहुत पहले से ही प्लान था वियतनाम का, इवन कोविड के पहले से भी था, लेकिन पैंडेमिक आ गया अनफॉर्चुनेटली। तो अब खैर ये जो टूर है वो सक्सेसफुल हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं हनोई जो कि है वियतनाम की कैपिटल। और हमारी फ़्लाइट है इंडिगो और रात के बज रहे हैं वही 11। और आपको आगे भी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था और कैसे हमने मैनेज किया सब कुछ। तो बने रही वीडियो के साथ। तो तकरीबन बज चुके हैं रात के 12 और अब हम लोग जाएंगे बोर्डिंग करेंगे और हमारा बोर्डिंग टिकट हमारे पास है। दुर्गेश भाई कैसा लग रहा है यार तुम्हें? एज ऑलवेज लग तो बढ़िया रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, निकल जाती है। हाँ, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा कुछ थी नहीं, एक ई वीज़ा लग गया जो कि डी के राजन ट्रेवल्स से मैंने करा लिया है जिसके मालिक हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और तो फ्लाइट की टिकट्स आने और जाने की करा ली थी मैंने और पासपोर्ट चाहिए और बाकी तो कुछ चाहिए नहीं ऐसा। और RT-PCR भी नहीं चाहिए, तो अभी इस समय कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस समय वियतनाम जाने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं हनोई, तो हमारी फ़्लाइट सुबह 5 बजे पहुँचेगी और उसके बाद का फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि आगे क्या कैसे हॉस्टल जाना है और बाकी कैसे मैनेज करते हैं हम लोग। दुर्गेश भाई अगर तुम कुछ बोलना चाहो तो अभी वक्त है, बोल सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा बोलने की। बोलना तो बस यही है कि हमारा लास्ट ट्रिप साथ में आई थिंक मलेशिया और इंडोनेशिया गए थे। हाँ, 3 साल पहले था, उसके बाद वापस आए थे। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हर ईयर मतलब हम लोग अपने बिजी शेड्यूल से कम और दो टाइम तो निकालेंगे, मतलब एक बार या तो समर्स में और एक बार विंटर्स में कहीं। और वियतनाम का प्लान भी था हमारा, लेकिन उस समय अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और पैंडेमिक हो गया। और बाकी उसके बाद भी हम अपनी तरफ से सोलो गए थे, ट्रेवल किए थे श्रीलंका में, चला गया था सोलो श्रीलंका में। दुबई का मेरा भी प्लान था, बट दुबई फिर अंत में मैं ही गया, वो भी पैंडेमिक के बीच में पूरा गया। मेरा भी प्लान था, सब कुछ प्लान ही था, मेरा भी जाना ही था, बट कुछ कोविड के इशू की वजह से मैं नहीं जा पाया। फाइनली ये जो बवाल 3 साल से चल रहा था, अब मैंने कहा छोड़ो, हटाओ इसको, सब खत्म करो। शक्ल पे दुख दिख रहा है बस दो। नहीं, दुख नहीं है, मतलब 3 साल चलो अब हम बंद कर रहे हैं, इतना पकाओ मत लोगों को। 3 साल एक लंबा समय होता है, फाइनली जा रहे हैं। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वियतनाम और ये है ऑफिशियली मेरी 8th कंट्री। और यहाँ पर टाइमिंग इंडिया से 1.5 घंटे आगे चलता है और बस अब यहाँ से जाके इमिग्रेशन में जाएंगे, अपना सामान वामान कलेक्ट करेंगे और बताएंगे आपको कैसा क्या रहा वहाँ पर। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? फीलिंग वेरी एक्साइटेड। लग तो नहीं रहा है शक्ल से? अरे हाँ, क्योंकि नींद बहुत लगी है। चलो चल के होटल में सो लेते हैं 2-3 घंटे, उसके बाद एक्साइटमेंट दिखाएंगे। तो यहाँ दुर्गेश क्या है, गमूडा लैंड। अच्छा तुम कुछ बता रहे थे क्या है? टॉयलेट मलेशिया को तो ठंडास कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडास। ओ संडास का भाई, ठंडास। हाँ, संडास को ठंडास कहते हैं मलेशिया में। हाँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही निकला फ्लाइट से सबसे पहले वॉशरूम गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, टोटो। और अभी टोटो में बैठ के आए थे कोलकाता में। हाँ, और हम लोगों ने टोटो कर लिया। टोटो कर लिया। मुझे भाई दुर्गेश ये बताओ पहले कि हमारा इमिग्रेशन कैसा रहा था? बहुत स्मूथ था। मैंने तो एक बार थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस हो गया था क्योंकि मैं अपना वीज़ा भूल गया था चेक इन बैग में। तो दुर्गेश ने मोबाइल में ही वीज़ा दिखा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें बस एक पासपोर्ट मांगा और वीज़ा देखा और कुछ मांगा ही नहीं, ना कितना आप कैश रखे हो, ना होटल बुकिंग दिखा और रिटर्न टिकट भी इवन नहीं मांगा उन्होंने, चुपचाप कर दिया फटाफट, जैसे उनको बहुत जल्दी हो। तो कुछ मांगा नहीं उन्होंने। और इधर यहाँ पर सिम कार्ड मिल जाएगा और करेंसी एक्सचेंज।
चार जी बी पर डे मिल रहा है 15.5 यूएस डॉलर में। प्राइस फॉर लाइक 4 GB पर डे 4 GB पर डे। एयरपोर्ट में ऐसे एटीएम मिल जाएंगे और आप आराम से कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो मेरे पास नियो का कार्ड था तो मैंने विड्रॉ कर लिया 5,000 रुपीस का, यानी कि 15 लाख वियतनामी डोंग, जो कि है ये। भाई मैं तो लखपति हो गया। और ये कुछ लिखा है क्या, सो काप कू। तो दुर्गेश ने ले लिया ये वाला सिम 3,50,000 वियतनामीज डॉन्ग। दुर्गेश हैप्पी नाउ? दुर्गेश नो प्रॉब्लम। तो ये हमारी बस आने वाली है, बस नंबर 86, जो हमें ले जाएगी सीधे हमारे हॉस्टल तक। हमें लेना था बस नंबर 86, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था तो कई सारे पैसेंजर्स भी साथ में मिल गए थे, पैसेंजर के अपने इंडिया के ही लोग मिल गए थे जो हमारे सेम हॉस्टल में भी स्टे कर रहे थे। तो हमने ग्रैब से मंगा लिया है, यहाँ पर ग्रैब चलता है, तो सिम दुर्गेश ने लिया था तो उससे हम लोगों ने ग्रैब मंगा लिया है। और ग्रैब लेगा लगभग जितना भी लेगा तो पर पर्सन 250 ही आएगा, तो ये सही डील हुई हम। Can you make one for me? Yeah. Breakfast for me. Yeah. Yeah, okay. Okay. तो ये ब्रेकफास्ट में इंक्लूड था और यहाँ दुर्गेश भाई भी अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय करते हुए। ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे हो? हाँ भाई, अबे जैम जैम नहीं दिया, जैम तो नहीं दिया इन्होंने, जैम वहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पर कॉफ़ी आप ले सकते हो या फिर फ्रूट जूस, और इतना कुछ खाने को मिला। और सॉसेज भी था जो कि पॉर्क का था, तो हमने उसको नहीं लिया। और बाकी आप इधर से कुछ अल्कोहल लेना चाहते तो ये सब पीड है सारे। मैं इस समय हूँ रिसेप्शन पर और यहाँ पर ये ट्रेवल भी बुक करते हैं और काफ़ी अच्छा है ये लोकेशन। और यहाँ पर ट्रेवलर्स भी काफ़ी जगह से हैं एंड ये पीछे ट्रेवल बुक करते हैं काफ़ी। और उसका नाम है हनोई सेंट्रल बैकपैकर्स हॉस्टल, तो अगर आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो। सपा हलोंग और ये सारा चीज़ का भी टूर अरेंज करते हैं एंड प्राइस अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ा बहुत तो हर जगह मार्जिन रहता ही है। एंड यहाँ पर एक चीज़ है,